Hello friends, I'm back again with another quality in the leadership series, in the life lessons that I've been covering every day. आज की क्वालिटी है gratitude, कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार प्रकट करना, मेहरबानी देना। ये एक लीडर की तो क्वालिटी है ही है, लेकिन ये एक बहुत ही ह्यूमन क्वालिटी है। मैं सोचता हूँ कि हर इंसान में इस क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। ये एक अच्छा समाज बनाता है, एक अच्छा घर बनाता है और एक अच्छा वातावरण क्रिएट करता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि पीपल हु हैड ग्रेटिट्यूड, जिनमें क्षमता थी थैंक यू कहने की, आभार प्रकट करने की, दूसरे को मेहरबानी देने की, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट होती थी। एंड आप ये देखना कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जिससे कि आप अपने आसपास, आपके टीम में नीचे वाले, साथ वाले, उनके साथ एक मिनट में जुड़ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा स्पिन ऑफ क्या है, सबसे बड़ा आपको फायदा क्या है, एंड दैट इज इट सप्रेसेस योर ईगो, इट मेक्स यू मोर हम्बल, इट मेक्स यू मोर डाउन टू अर्थ। इनफैक्ट यूरोप के अंदर एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर के पास ग्रेटिट्यूड की भावना है, द लीडर्स वर मोर ग्रेटिट्यूड, दोज टीम्स, दोज ऑर्गेनाइजेशंस डिड 50% मोर आउटपुट, दे वर मोर प्रोडक्टिव। दैट मीन्स इट इज सच एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एनी लीडर टू बी हैविंग ग्रेटिट्यूड। एंड दिस कैन स्टार्ट फ्रॉम योर डे इन द मॉर्निंग, यू कैन हैव ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी लॉर्ड, टू whomever यू विश टू प्रे। And another important thing about gratitude is it should be genuine and it should have an eye contact. जब तक आप आंख से आंख मिला के, हाथ से हाथ मिला के, गले मिलके gratitude नहीं दोगे, उसका कोई फायदा नहीं। और मैंने एक बार पाया इसका जो टीम्स के क्या अंदर किस जबरदस्त तरीके का इसका फायदा होता है। एक बार मैं अमृतसर में ब्रिगेड कमांडर था आर्मड ब्रिगेड का, और हमारी कुश्ती टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी कोर के टूर्नामेंट। जैसा कि आमतौर पर होता है, हम शायद कोई बड़ा खाना या कोई ऐसा उनको प्राइज वगैरह दे देते हैं छोटा मोटा, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम इनको सबको अमृतसर के सबसे बढ़िया होटल में लेके जाएंगे विद फैमिलीज, बच्चों के साथ। एंड वो दिन मुझे आज तक याद है, तो आप समझ लो जिन लोगों ने वो अटेंड किया होगा वो क्या सारी उम्र भूल पाएंगे उस दिन को। इसीलिए दिस इज अमेजिंग क्वालिटी, प्लीज इनकलकेट इट। और खासतौर पर हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत ज्यादा हम नीचे वालों को दूसरी नजरों से तू तड़ा करके बात करते हैं। मैं चाहता हूं वो दिन आए जब आप कूड़ा उठाने वाला, झाड़ू मारने वाला, चौकीदार, प्लम्बर, सीमेंट लेबर काम करने वाला, उसके साथ आप बैठकर चाय पिएं, उसके साथ हाथ मिलाएं और उसके उसके त्यौहार पर उसको मिठाई दें। आप देखना जरा, आप उसका फायदा नहीं कर रहे हो, आप अपने सोल को, अपनी स्पिरिट को उसको आजाद कर रहे हो। सो थैंक यू, मजा आया ये बात करके। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट क्वालिटी। जय हिंद।